सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सिखाऊंगी कैनवस पेंटिंग कैसे बनती है। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कैनवस पेंटिंग है और इसमें मैं 7 हॉर्सेस वाली पेंटिंग बना रही हूँ। तो अलग अलग तरह से लोग इस पेंटिंग को बनाते हैं, कुछ बैकग्राउंड डिफरेंट देते हैं, कुछ कलर्स डिफरेंट देते हैं। तो आप भी बना सकते हो कैनवस पेंटिंग अगर आप बनाना चाहो, नहीं तो आप यही वाली पेंटिंग वाटर कलर पेपर पे भी बना सकते हो, पर वो छोटी बनेगी क्योंकि पेपर का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो आज हम सीखेंगे कैनवस पेंटिंग बनाना। तो कैनवस के बारे में जितनी भी डिटेल है वो ब्लॉग में मैं आगे बता दूँगी आपको। कैनवस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैनवस को ले सकते हो। ये जो 7 हॉर्सेस की कैनवस पेंटिंग है, इसको बनाने के लिए मैं फेविक्रिल कलर का यूज़ कर रही हूँ। और ये जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ, ये मुझे ऑर्डर आ रखा है इस पेंटिंग का, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आप कैनवस पेंटिंग ट्राई कर सकते हो। और जो ये कैनवस पेंटिंग है, इनकी रेट्स जो होती है बहुत हाई होती है। जितना अच्छा आप काम करोगे उतना अच्छा आपकी पेंटिंग की कॉस्टिंग होती है। और साइज़ के अकॉर्डिंग कलर आप क्या यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन आपका कैसा है, फ्रेम आप किस तरह के यूज़ कर रहे हो, और एक पेंटिंग को बनाने में आपके कितने घंटे लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं कि एक पेंटिंग की कितनी रेट होनी चाहिए। और काफ़ी रीज़नेबल रेट जो होती है उसको रखा जाता है। तो कैनवस पेंटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो पेंटिंग की फील्ड में। तो आप कैनवस पेंटिंग से शुरू कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। जो बड़े साइज़ की पेंटिंग होती है वो 10,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंज में जाती है। तो और जो छोटी पेंटिंग्स होती है उनकी रेट्स भी ऐसे नहीं है कि बहुत ही कम होगी, 3,000-5,000 इस तरह की होती है। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी डिटेलिंग के साथ कोई पेंटिंग बना रहे हो। अगर मोटा मोटा डिज़ाइन है तो रेट कम होगी, अगर बारीक डिज़ाइन है बहुत फिनिशिंग के साथ काम किया है तो रेट ज़्यादा होगी। तो अलग अलग चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि आपकी पेंटिंग की कॉस्ट क्या होगी। तो जितनी भी पेंटिंग्स हम बनाते हैं तो उसमें मेहनत लगती है और आपका टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होता है, और आप सप्लाई लेने के लिए इधर उधर जाते हो, फिर फ्रेम कराते हो। तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस आप अपनी पेंटिंग की हमेशा सेट करना, और ज़्यादा लो प्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सोचते हैं कि चलो लो प्राइस कर देते हैं, फिर आपको ऑर्डर्स आने लगते हैं तो आप उसी लो प्राइस पे चलते रहते हो। तो ऐसे करके आपको भी नुकसान होता है क्योंकि आप सप्लाई इतनी ज़्यादा खरीदते हो, फिर मेहनत कर रहे हो उसमें, और फिर फ्रेम्स वगैरह बनाने इन सब कामों के लिए बाहर जाते हैं। तो अपना भी आपको बजट देखना है और उस अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग की प्राइस सेट करनी है। तो ये तो था थोड़ा पेंटिंग के बारे में और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो बनाना। और आज हम सीखेंगे कैनवस पेंटिंग, और ये मेरे चैनल पे फर्स्ट कैनवस पेंटिंग आएगी। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम था कैनवस पेंटिंग बनाना, तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया व्लॉग, क्योंकि मेरे को थोड़ा काम भी करना था, उसमें कलर भी सूख रहा था, तो मैंने कैमरा को ज़्यादा सेट नहीं करा। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी मैंने बनाया है वो मैं आपको बताती रहूँगी, और आगे फिर 2 कैनवस पेंटिंग और आएगी व्लॉग में, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे कैसे बनी है। तो हल्का फुल्का मैंने भी जैसे मैट से सीखा है तो वही मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो आज के व्लॉग में तो जैसे हम कैनवस पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं, तो प्रोफेशनली मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। तो मेरी एजुकेशन तो ऐसे है कि मैंने MSc कर रखा है, फिर BEd करा, और जो हमारे CET ET के एग्ज़ाम होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्लियर कर रखे हैं। पर एक होता है कि आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आप उसकी तरफ थोड़ा डाइवर्ट होते हो। तो जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी थी तो उस टाइम मैं थोड़ा कलर्स से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो 1 साल का वो भी मैंने कोर्स किया। तो तब मेरे को थोड़ा सा कलर्स में इंटरेस्ट आने लगा, और बचपन से थोड़ी बहुत पेंटिंग करते थे। अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप पैशनेटली काम कर सकते हो उस पर, तो आपकी जो स्किल होती है और एजुकेशन होती है दोनों ही आपको फ़ायदा करती है। तो जैसे मेरी एजुकेशन है वो कंप्लीट है, अगर मुझे उसकी ज़रूरत हुई तो वो भी मेरे काम आएगी, क्योंकि मैं पहले जैसे पढ़ाती थी तो वो मेरे काम आई। तो ऐसे ही अगर आप कि कोई स्किल है, जैसे मेरी पेंटिंग स्किल है, तो आज वो भी मेरे काम आ रही है क्योंकि मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैंने जब भी मुझे टाइम मिला छुट्टियों में, स्कूल में भी जैसे थे या कॉलेज में थे, तो छुट्टियों में टाइम मिला तो थोड़ा थोड़ा करते रहे उसे, भले ही इतना अच्छा बन के नहीं आया डिज़ाइन, पर हम उसको करते रहे, छोड़ा नहीं उस चीज़ को। और जब आप अपना पैशन को भी कंटिन्यू करते हो, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो कभी ना कभी उसका अच्छा रिजल्ट मिलता ही है। तो आज पेंटिंग्स जो है वो भी सेल हो जाती है, तो वो भी काम आता है। तो अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप उसको भी कंटिन्यू करते रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो अगर आप में कोई भी स्किल है तो उसे डिसकंटिन्यू नहीं करना है, उसे भी कंटिन्यू करते रहना है। और बाई फार अगर आप सेटिस्फाई हो अपने जो भी आप कर रहे हो उससे, तो वो बहुत ही अच्छा है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो या फिर स्किल की हो। पर अगर स्किल है तो उस पर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, और उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो वो दोनों चीज़ साथ लेके चलना, और अपना टाइम मैनेजमेंट है अच्छा कर सकते हो आप,
क्योंकि कॉलेज तक आपको बहुत टाइम मिलता है और आप उस टाइम को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो आप अपनी एजुकेशन पे भी कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि जब मैंने MSc BEd करा, फिर अपने एग्जाम क्लियर करे और फिर उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग भी करी, तो जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उस टाइम हम बहुत ही नए नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस होते हैं और अगर उनमें हम इंटरेस्ट दिखाएं तो हम बहुत सी नई नई चीज़ें जानते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाते हो, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है चीज़ों के बारे में। तो एजुकेशन तो आपकी इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको जब भी छुट्टियों का टाइम होता है उसमें इम्प्रूव कीजिए। चाहे आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, पेंटिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी है उस फील्ड में आप करिए और उसको कंटिन्यू करते रहिए, तो दोनों ही ज़रूरत पड़ने पे आपको काम आ सकती है, आपकी एजुकेशन भी और आपकी स्किल भी। और लाइफ में बहुत ज़रूरी है हमेशा कुछ कुछ नया लर्न करते रहना, क्योंकि जब आप लर्न करते हो तो आपकी क्यूरियोसिटी भी बहुत अच्छी रहती है कि ये कैसे होता होगा, और आपको खुद भी अच्छा लगता है कि हमने अपनी लाइफ में इतनी तरह की चीज़ें सीखी और लर्न करने की जो हैबिट है वो बनती है। तो इसलिए थोड़ा लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है और हमेशा कुछ कुछ नया सीखते रहिए, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो गार्डनिंग से रिलेटेड हो, अगर आप हाउसवाइफ है तो चाहे आप कुकिंग से रिलेटेड सीख सकते हो, गार्डनिंग से, होम डेकोर, इंटीरियर डेकोरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो बस लर्न करते रहिए और अपनी लाइफ में कुछ कुछ प्रोडक्टिव करते रहिए हमेशा, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी तो ऐसे ही है, जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है वो सबकी चलती है, पर कुछ प्रोडक्टिव करते रहेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने कुछ नया सीखा और कुछ नया करा। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया बनाना। अब हम बनाएंगे कैनवस पेंटिंग और मेरी वहाँ पे वो पेंटिंग बनके रेडी हो चुकी है MDF बोर्ड पे। और ये कैनवस पेंटिंग के लिए मैंने कैनवस लिया था, तो इसकी रेट जो है 2250 है, तो डिस्काउंट करके दिया था उन्होंने मुझे थोड़ा, और डिस्पेंसरी रोड से ली थी ये मैंने, और मैं भी पहली बार कैनवस यूज़ करूँगी। तो इस तरह का रोल आता है, इसको खोलना है, ये सेफ्टी के लिए है कैनवस की, और इसको अब हम बाहर निकालेंगे। तो डायमेंशंस इसकी है 91 cm x 5 m, तो इतना ये चौड़ा आएगा। और इसको ऐसे निकालना है, बड़ा इस तरह का आता है कैनवस। तो ये एक तरह का कपड़ा होता है, तो इस तरह का रोल आता है कपड़े का, ये ऐसा, और इस पे हमें पेंटिंग बनानी होती है। तो अब मैं इसके ऐसा है ये रोल इसके अंदर, तो इस पे हम पेंटिंग बनाते हैं तो काफ़ी ड्यूरेबल रहती है। जैसे हम पेपर पे बनाते हैं या चार्ट पेपर पे पेंटिंग बनाते हैं तो उसका फूलने का डर रहता है, अगर पीछे से सीलन वगैरह कुछ आई है आपकी वॉल पे तो उनका फूलने का डर रहता है और पेंटिंग ख़राब भी हो सकती है। पर इसमें जो होता है ऐसा नहीं होता है, पर खैर वॉल तो आपको चेक करनी ही पड़ेगी कि उसमें सीलन वगैरह ना आए पेंटिंग के पीछे से। और वाटर कलर पेपर जो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, ड्यूरेबल, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो छोटी पेंटिंग्स के लिए। तो इसको खोलेंगे तो ये इस तरह का है, तो इस तरह का ये 5 m है कपड़ा सा, ऐसा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पेंटिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा है ऐसे। तो इस पे हम जैसे चार्ट पेपर होता है वैसे ही है, ये कपड़ा है तो ये पतला भी चलता है, इस तरह का होता है, तो जैसे आप देख सकते हो ना कपड़े की तरह हो रहा है, तो ऐसा है। अब इसे अपने हिसाब से मैं कट कर लूँगी, मुझे किस साइज़ की पेंटिंग बनानी है उस हिसाब से मैं इसे कट करूँगी। और इसका रोल इस तरह का है, क्योंकि ये 5 m लॉन्ग है रोल, तो इसलिए वो इस तरह का है। अब यहाँ पर मैं मेजरमेंट वगैरह लूँगी कि मुझे कितनी पेंटिंग बनानी है, कैसे बनानी है, और कट कर लूँगी। तो ये ऐसा दिखता है, और अगर इस पर कुछ मुझे बेस कोट करना होगा तो मैं देखूँगी करूँगी, अदरवाइज़ ऐसे भी ये सही लग रहा है। ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है, तो ऐसा होता है कैनवस। अगर आप भी कभी पेंटिंग बनाना चाहो तो ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है इतना ही बड़ा लेना है, ये तो बड़ा वाला है, इसका हाफ ऐसे में भी आता है रोल, ऐसे लंबे में, तो 700 something का आता है वो। तो ये वाला जो कैनवस रोल है ये कैमलिन का है, तो इसका जो क्वालिटी है बाहर के ये जो दे रखी है इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी दे रखी है, तो रोल एकदम सही सा आया है, अंदर काफ़ी अच्छा आ रखा है, तो इस तरह का है। फिर इसमें क्या होता है,
अब इसमें ये भी है, अगर मेरी कोई पेंटिंग सेल नहीं होती तो मैं उसको बना के वापस इसी में रख सकती हूँ। तो इसमें बैक पीछे से तो यहाँ पे बंद है, और फिर यहाँ से ये वाला कवर है, मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी तो सेफली पेंटिंग भी सिक्योर हो जाएगी मेरी। अभी मैं ये जो मेरा कैनवस है इस पर मार्किंग कर रही हूँ, जो मुझे पेंटिंग बनानी है उसके लिए। तो इसमें मैं 7 घोड़ों वाली पेंटिंग बनाऊँगी। तो मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कैनवस पर इस तरह की पेंटिंग बनाना, क्योंकि मैंने पेपर पे तो काफ़ी बना के देखी है। तो इस तरह का जो चार्ट पेपर होता है मोटा वाला, ऐसे पे तो मैंने काफ़ी बना के देख रखी है पेंटिंग्स, तो इनमें मुझसे शेडिंग वगैरह हो जाती है, या फिर वाटर कलर पेपर जो होता है उसमें भी मुझसे शेडिंग हो जाती है। पर कैनवस पे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने इस चार्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही कैनवस का साइज़ जो है वो नाप लिया है। और ये थोड़ा सा चौड़ा आता है कैनवस, तो ये चार्ट पेपर से थोड़ी सी बड़ी बनेगी पेंटिंग। अब मैंने कैनवस पे मार्जिन सेट कर दिया है, तो ये वाला जो कैनवस है ये 91 सेंटीमीटर है ऐसे में, तो ये चार्ट पेपर से थोड़ा बड़ा है। तो मैंने अब तक सिर्फ चार्ट पेपर के साइज़ की पेंटिंग ही बनाई है, तो ये इतना सा बड़ा है दोनों साइज़ से, यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा है और इस तरफ से भी बड़ा है। तो इस पे बनाएंगे पेंटिंग। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और यहाँ से ये रोल हटा दूँगी और इसे पैक कर दूँगी, वैसे भी गंदा होगा नहीं तो। अब मैंने कैनवस कटिंग कर ली है, तो इतना मुझे चाहिए, बाकी का ये रोल बचा है, इसको अब मैं दूसरी पेंटिंग के लिए कट करूँगी। ये जो कैनवस है इसकी चौड़ाई जो है ये वाली, ये 91 सेंटीमीटर लिखी हुई थी और लंबाई 5 मीटर लिखी हुई थी, पर इसको जब मैंने नापा यहाँ की साइड ना, तो ये आ रहा है 93.7 सेंटीमीटर है, तो ठीक है। अब मैंने ये 3 पेंटिंग के लिए कैनवस कट कर लिया है, तो ये तो एक बड़ी पेंटिंग के लिए कट कर रहा है, तो इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। और ये फिर 2 पेंटिंग और है उसके लिए मैंने कट करा, वैसे मुझे इस पेंटिंग के लिए ही चाहिए था, पर ये साइड का जो बचा है इस पर भी मैं पेंटिंग बनाऊँगी कोई। तो अभी मैं 7 घोड़े वाली पेंटिंग ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो फिनिशिंग नहीं दी है मैंने, ऐसी रफ लेआउट बनाया है और इधर पे मैंने फिनिशिंग दे दी है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम कैनवस पे ट्राई कर रही हूँ, और मैं शेडिंग वाली पेंटिंग्स कम ही बनाती हूँ, तो देखते हैं अभी कैसी बनती है। तो यहाँ पे तो मैंने फ़ाइनल कर दिया है डिज़ाइन को, और इधर की तरफ ऐसी लेआउट ऐसे दे रखा है, तो इसको अभी फ़ाइनल करना है, तो देखते हैं कैसी बन के आती है ये पेंटिंग। तो मैं पहली बार ऐसी पेंटिंग बना रही हूँ, और पहली बार मैंने घोड़े ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। तो अब मैं 7 हॉर्सेस की पेंटिंग बनाना स्टार्ट करूँगी, पर अभी हो रहा है डिनर टाइम, तो अभी पहले डिनर बनाऊँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ अगर थोड़ा सा यहाँ पे बेस कोट करूँ, क्योंकि अभी जैसे मेरे से शेड इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, तो मुझे लग रहा है पहले बेस कोट करके फिर उस पर स्मूथ तरीके से शेड करूँगी। यहाँ 7 हॉर्सेस हैं और ऊपर इस तरह का बनाया है, तो ये तो देखूँगी मैं, ऑप्शनल है ये, पेड़ वेड़ रखना है कि नहीं रखना है। और ये सन है, बर्ड्स है इसमें, और ये मैं अपनी कलर सप्लाई चेक कर रही थी कितनी है, तो मैंने सेट करके रख दिया है। इसके नीचे भी है, तो मैं फेविक्रिल के कलर ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही वाले सही हैं, क्योंकि ये थोड़े लिक्विड ही हैं, तो इसमें मर्जिंग सही से हो रही है, कलर्स की शेड्स जो है वो सही से बन रहा है। अभी मैं 7 हॉर्सेस वाली जो पेंटिंग है उस पर कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेस कोट कर रही हूँ पहले, क्योंकि नीचे वाइट वाइट सा दिखने लग रहा है अगर सिंगल कोट से ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एक्रेलिक कलर होता है ये इतना डार्क नहीं होता है फेविक्रिल का, तो उससे कर रही हूँ। और फिर अभी नीचे भी मैं बेस कोट दूंगी, तब देखते हैं कैसा लगता है। तो ऊपर की तरफ से मुझे सन वाला व्यू बनाना है, और नीचे की साइड यहाँ पे मुझे सॉइल बनानी है, तो मैंने ऐसे चौड़ा वाला ब्रश ले रखा है ऐसे पेंट करने के लिए फ़िलहाल। तो अब नीचे करती हूँ सॉइल वाला पेंट, और ये मैंने यहाँ पे कलर्स अपने अभी सेट कर रखे हैं कौन से चाहिए, फिर उसको कॉम्बिनेशन सेट करूँगी सही से। तो इसके लिए मैंने बेस कोट कर लिया है सॉइल वाला, और ऊपर जो है सन का। तो अब बेस कोट करने से थोड़ी स्मूथनेस आ जाती है अगर मैं ब्रश चलाऊँगी, और जैसे यहाँ पे अभी वाइटनेस जैसे दिखती है वो दिखेगी नहीं, जैसे यहाँ पे भी स्ट्रोक्स मारने पे दिख रही है, तो ये चीज़ दिखेगी नहीं, अच्छे से मर्ज हो जाएगी। तो अभी इतनी बनी है, अब मैं इस पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट वगैरह शेडिंग वगैरह वो दूंगी आज। तो अभी ये जो 7 हॉर्स वाली पेंटिंग है इसके मैंने बेस कोट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे पूरा रेत बनानी है, जैसे सॉइल वाला टेक्सचर देना है यहाँ पे सारा। तो मैंने यहाँ पे अभी कलर सेट करके रखे हैं कि मैं रेड ऑरेंज और येलो के, ये लेमन और येलो है और वो दूसरा वाला येलो है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, क्रोम येलो है ये, तो इनको, और ये पिंक है थोड़ा सा वॉयलेट, ये सब मिक्स करके मैं ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसका टेक्सचर क्रिएट करूँगी थोड़ा सा। तो अभी मैं पहले ट्राई करती हूँ कैसे बनता है, और ऊपर शेडिंग दे रही हूँ। तो मैंने काफ़ी तो ब्रश से दे दी थी और बाद में मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे ना हाथ में लिया कलर और इससे दे रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी हो रही है,
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, इस तरह से टेक्सचर ना काफ़ी मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप ट्राई करके देखना, ब्रश से जो लाइनें आती है ना वो हाथ से आ नहीं रही। तो यहाँ पे जो मैंने ये सारा दिया है शेडिंग, मैंने हाथ से ही करके दी। पहले मैंने ब्रश से दे रही थी तो स्ट्रोक्स आ रहे थे, फिर मैंने हाथ से करा तो स्मूथ स्मूथ आने लग गया, बिना उसके ऐसे दिखेगा। तो अभी मैं इस पर कलर कर रही हूँ, तो अभी मैं हाथ से ही मिक्सिंग कर रही हूँ और मुझे तो हाथ से बहुत सही लग रहा है, मिक्सिंग हो रही है कलर की। और इसको इस तरह से करना है, तो इनकी मर्जिंग भी बहुत अच्छे से आ रही है, जैसे देख सकते हो आप ऊपर की साइड, जैसे ये इस तरह से हो गया है मर्ज। तो जैसे अब मुझे पिंक कलर चाहिए तो मैं हाथ पे पिंक ले रही हूँ और इसको ऐसे से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ। तो वैसे हम ब्रश से कर सकते हैं और उसके बाद हाथ से मर्ज कर सकते हैं। अभी मैंने सेवन हॉर्सेस वाली पे थोड़ा सा करा है ऊपर की फिनिशिंग देने की कोशिश, अभी थोड़ी सी और करके देखती हूँ कैसी होती है। अभी जो मैं सात घोड़े की पेंटिंग बना रही हूँ उसमें मेरा ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, तो सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो इसमें मुझे बर्ड्स और यहाँ बैकग्राउंड में ट्री देना है, तो वही कोकोनट ट्री है इसमें बैकग्राउंड में। तो मतलब मेरा ये बेस हो गया है पूरा, जो शेडिंग वाला होता है वो पूरा हो गया, तो ये अभी इतनी कंप्लीट हुई है। तो अभी मैं यहाँ सेवन हॉर्सेस वाली पेंटिंग बना रही हूँ, तो ऊपर की तो मैंने सारी फिनिशिंग दे दी है और अब मैं बॉटम वाली दे रही हूँ फिनिशिंग, और फिर जो घोड़े हैं उन पर कलर करूँगी, क्योंकि इन पर वाइट ही होना है और शेड वगैरह देना है थोड़ा सा अलग अलग कलर मिक्स करके। तो ये वाला जो है मैंने ब्रश से किया था, मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, ये वाला मैंने उंगली से किया है। तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट बना दिए कलर्स के और इन पर अब ऐसे टैप कर रही हूँ मैं। तो मतलब आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकती हो, मैं तो अभी पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ इसमें, देख रही हूँ कैसे कैसे हो रहा है। तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ऐसे टैप टैप करके थोड़ा सा शेड आ रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। और ये मैं जो हॉर्सेज हैं उनको एंड में करूँगी ताकि उन पे भी, पहले वाइट सही से करके हॉर्सेस पे करूँगी बाद में। मैं सोच रही हूँ हॉर्सेस पे एक बार वाइट कलर मार दूँगी और उसके बाद उस पर करूँगी, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है टेक्सचर आ जाएगा। तो थोड़ा सा इससे क्या हो रहा है रफनेस आ रही, जैसे सॉइल हमेशा एक जैसी नहीं होती है, तो इसलिए तो ये ऐसे ऐसे है। इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा वो दे देंगे, टेक्सचर देने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कहीं पे इस तरह डार्क दे दिया, ऐसे आ रहा होगा समझ कैसे कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी मैंने डार्क दे दिया और ऊपर का डिज़ाइन मैंने कंप्लीट कर दिया है। और नीचे का मैं अभी कर रही हूँ डिज़ाइन थोड़ा सा, और मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं गाना सुन रही थी, तो ये मुझे बहुत ही पुराना वाला गाना मिला, ये पहले बहुत सुनते थे हम। तो अभी ये वाली पेंटिंग इतनी कंप्लीट हुई है और यहाँ पे जो है मैंने ये मिट्टी वाला टेक्सचर दिया है, अभी थोड़ी और फिनिशिंग देनी होगी तो मैं वो दूंगी। तो उससे पहले मैं जो ये हॉर्सेस है इन पे एक वाइट कलर से बेस कोट कर दूंगी, बाकी देखूंगी मैं टेक्सचर और फिनिशिंग अगर और देनी होगी तब दूंगी। तो ये ऐसे दिखता है और इसका टॉप इस तरह से दिखता है। अब नीचे यहाँ पे मैंने बेस कोट कर दिया है वाइट कलर का थोड़ा सा पानी मिला के, क्योंकि यहाँ निशान आ रहे थे जैसे इस कोने से, तो वो हट गए हैं। अब फाइनल कोटिंग होगी इनके ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर। तो ऐसी दिख रही है और इतनी बनी है। तो मैंने हॉर्सेस पे पेंट कर दिया है, मतलब शेडिंग वगैरह दे दी है। अभी मैं फिनिशिंग पे आ गई हूँ, तो देखती हूँ फिनिशिंग। अभी इनके हेयर्स बनाने, जैसे यहाँ यहाँ पे हेयर्स बनेंगे इनके, और फिर जैसे यहाँ पे आप मुंह देख सकते हो ये बनेगा, आईज़ बनेगी। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं फिनिशिंग करने में, तो जब होगी तब दिखाती हूँ। अभी मैं कलर कॉम्बिनेशन सेट कर रही थी अपने, इसमें मैंने फेस तो है बना लिया है और इसमें जो ये हेयर्स है वो मैं अब ड्रॉ कर रही हूँ, तो इस तरह से दिख रही है ये। तो इनके जो हेयर्स है इसकी फिनिशिंग मैं लास्ट में कर रही हूँ। अब जो पेंटिंग है वो फिनिशिंग पे आ चुकी है, तो जहाँ भी अगर कोई निशान या कुछ लगा होगा तो उसे मिटाना है, वैसे तो उसी टाइम मिटा देना सही रहता है। तो यहाँ पर अभी इनके हेयर्स बनने के बाद ये इस तरह से लग रहे हैं, तो अभी जैसे टेल है पूँछ पे भी होगा तो थोड़ा सा शेड देना है। तो अभी इस तरह की दिख रही है पेंटिंग, और नीचे से ऐसे, तो नीचे भी थोड़ा बहुत फिनिशिंग दूंगी मैं अभी इसमें। अभी जो मैं सेवन हॉर्सेस वाली पेंटिंग बना रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है और ऐसी लगती है, तो ऊपर से तो ये ऐसी दिखेगी।
तो अभी मैंने एक नई कैनवस पेंटिंग बनाई है, अब 7 हॉर्सेस की बनाई है, तो वो ऐसी दिखती है। तो इस तरह से आप भी कैनवस पेंटिंग ट्राई कर सकते हो। और इस पेंटिंग का भी मैं छोटा सा ब्लॉग डाल दूँगी, तो शेडिंग वगैरह तो मैंने इतना बताया नहीं है, अभी बाद में बताऊँगी। अभी ये हॉर्स वाली पेंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं इसमें ये वाला जो स्प्रे है ये करूँगी, तो ये वार्निश है पेंटिंग को सिक्योर करने के लिए। तो इस तरह की दिख रही है पेंटिंग, और अब हम इसमें स्प्रे मार देंगे जिससे कि ये सिक्योर हो जाएगी अच्छे से। तो फाइनल फिनिशिंग के बाद पेंटिंग इस तरह से दिखती है। तो अब इसमें स्प्रे मारना स्टार्ट करना है एक साइड से। जो स्प्रे है ना आप घर के बाहर ही मारना, क्योंकि स्मेल आती है थोड़ी सी। तो अब मैंने इस पर स्प्रे मार दिया है पेंटिंग में, और इसमें आपको शाइन दिखाई देगी स्प्रे मारने के बाद। अब हम इसे हटा लेंगे यहाँ से।